press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? पीछे के टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हैं? क्या क्या पढ़ा आपने पीछे, याद है? मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, इन दोनों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, एवरेज स्पीड हमने पढ़ा, एवरेज वेलोसिटी पढ़ा, इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ा, इतना टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने इनका नोट्स बनाया होगा और डेली का डेली आप लोग पढ़ रहे होंगे, है ना। आज की टॉपिक हम लोग बात करते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है, और समझना बहुत इजी है। और देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे कुछ लिखा भी है और आपको समझाने का प्रयास भी करते हैं कि एक्सेलरेशन आपके पास होता क्या है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वी माइनस यू बाई टी। वी क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। यू क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। टी क्या है? टाइम लैग है, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। इसका डेफिनेशन बच्चों बनाना बहुत सिंपल है। जैसा कि हम लोग आपसे बात करते हैं, जब भी कभी भी फिजिक्स में आपको माइनस नहीं दिखाई दे बच्चों, तो आप क्या वर्ड यूज करेंगे? हाँ, क्या वर्ड? एक प्रॉपर वर्ड आप यूज करेंगे बार बार, इस बात को दिमाग में रखिएगा, चेंज ऑफ। चेंज हो रहा है, माइनस होने का मतलब चेंज हो रहा है। जैसे बोले मेरे पास आज 10 रुपए है, 10 रुपए में मैं 2 रुपए का गोलगप्पा खा लिया, तो बचा मेरे पास कितना? 8 रुपए। चेंज हो गया ना, पहले 10 था अब 8 है, चेंज हुआ, उसको बोलते हैं चेंज ऑफ, है ना। तो यहां भी बच्चों देखो, माइनस हो रहा है, किसके अंदर माइनस हो रहा है? वी भी वेलोसिटी और यू भी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के अंदर चेंज हो रहा है, इस वजह से इसका नाम होगा चेंज ऑफ। हम वर्ड यूज करेंगे प्रॉपर। तो बच्चों एक आपको मैं ट्रिक बताता हूँ, याद रखे रहिएगा, जब भी कभी आपको फिजिक्स का डेफिनेशन बनाना है और उसके फिर अगर कोई डेफिनेशन बना रहा है उसके नीचे टी से डिवाइड है, टाइम से डिवाइड है, तो उस डेफिनेशन को स्टार्ट करिएगा रेट ऑफ से, है ना। जैसे ये एक फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला अगर याद है तो डेफिनेशन बनाना बड़ा सिंपल है। मैं आपको देखिए फॉर्मूले से डेफिनेशन बनाना सिखा रहा हूँ आपको। मैं नहीं कहूंगा कि दिन भर आप बैठ के डेफिनेशन रखते रहिए, कोई जरूरत नहीं, आपको फॉर्मूला याद करिए, डेफिनेशन बनाना मैं सिखाता हूँ आपको, है ना। तो देखिए ये आपके पास फॉर्मूला था, एक्सेलरेशन इक्वल टू था वी माइनस यू बाई टी। इसका मतलब ये पूरे फिजिकल क्वांटिटी में वी माइनस यू बाई टी वी माइनस यू इसे डिवाइड है टाइम से, तो इसका डेफिनेशन स्टार्ट होगा रेट ऑफ। कोई भी चीज अगर टाइम से डिवाइड है तो रेट ऑफ से डेफिनेशन स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। तो रेट ऑफ क्योंकि टाइम से डिवाइड है, चेंज हो रहा है किसके अंदर? वेलोसिटी के अंदर। चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के अंदर चेंज हो रहा है, इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। समझ आया? टाइम से डिवाइड है तो रेट ऑफ, चेंज हो रहा है वेलोसिटी के अंदर, चेंज ऑफ वेलोसिटी इस कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। कॉन्सेप्ट याद होगा आपको, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी हुआ करता था। क्यों होता था? क्योंकि उसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होती थी, डायरेक्शन भी होता था, और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो भी करता था। तो जब वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है तो एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में वेलोसिटी आ रहा है। अगर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता था तो एक्सेलरेशन की कौन सी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो इट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज़ क्यों? ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए क्या क्या जरूरी है? आपको याद होगा तीन चीज होना जरूरी है, डायरेक्शन होना, मैग्नीट्यूड होना, और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना। तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती थी, क्यों होती थी? बिकॉज इट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड ऑल्सो ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता था, डायरेक्शन भी होता था, और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो भी करता था या ओबे भी करता था, इस वजह से इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब हम बात करते हैं फिर से वेलोसिटी याद करिए। फिर से वेलोसिटी की प्रॉपर्टी याद करिए, वेलोसिटी नेगेटिव होता था, पॉजिटिव होता था, एंड जीरो होता था।
तीनों होता था ना, जब वेलोसिटी तीनों हो सकता है तो एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में वेलोसिटी आ रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी तीनों हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है एंड नेगेटिव हो सकता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को एक नया नाम दिया जाता है बच्चों, उसको हम बोलते हैं क्या, रिटार्डेशन। ठीक है, याद रखिएगा, व्हाट इज रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन, इसको डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन बोलते हैं। जहां कहीं भी एक्सेलरेशन के आगे माइनस साइन आ गया तुरंत उसको आप बोलिएगा रिटार्डेशन। अब इसको तो हम लोग थ्योरेटिकली समझ रहे हैं, इसका एग्जांपल समझाएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा, इंतजार करिए जरूर आएगा आगे एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल आएगा। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा कि जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव हो सकता है, और नेगेटिव को एक स्पेशल नाम दिया गया रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। ठीक है, अच्छा इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये कहां से आई, हम निकाल सकते हैं। ऊपर क्या है आपके पास, ऊपर क्या है आपके पास, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को आप ऐसे भी, इस फॉर्मूले को आगे आप लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को आप ऐसे लिख सकते हैं, जहां चेंज होता है उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी। जब ऊपर भी चेंज हो रहा है बच्चों तो नीचे भी चेंज होता है, टी माइनस जीरो होता है। ठीक है, तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा टी। तो ऊपर क्या है बच्चों, देखो हमको यूनिट निकालना है, यूनिट निकालने के लिए क्या करें, ऊपर क्या है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की यूनिट लिख लो क्या होता है, मीटर पर सेकंड। नीचे क्या है, टाइम, टाइम की यूनिट क्या होता है, सेकंड। ठीक है, याद है। अब ऐसा मत करना कि यहां पे मीटर पर सेकंड माइनस मीटर पर सेकंड, काट के जीरो कर देना, ऐसा नहीं करना होगा। ऊपर चेंज हो गया, चेंज होने के बाद भी वो क्या रहा, वेलोसिटी ही रहा, इस वजह से वेलोसिटी का यूनिट लिखा। नीचे भी चेंज हुआ समय, तो समय में भी चेंज हुआ, तो आफ्टर चेंज होने के बाद वो क्या है, टाइम ही है, तो हमने टाइम लिख दिया, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो अब देखो क्या होगा, ये सेकंड जब ऊपर जाएगा तो ये तो ऑलरेडी था, इसकी पावर वन था, जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस वन। और आप मैथ पढ़ते हैं कि अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का या किसी भी दो नंबर का बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, उसको आप ऐसे लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, या आप ऐसे लिखते हैं, इसको नीचे ला देंगे तो हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया इसकी ऐसा यूनिट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक्सेलरेशन की हम एक्चुअल बात करते हैं, एक्सेलरेशन होता क्या है, कि तो हम लोगों ने डेफिनेशन के थ्रू बात कर लिया, आपको जो पढ़ना है वो बात कर लिया, आपको कहानी सुनाते हैं एक्सेलरेशन होता क्या है। आपके घर पे बाइक होगा, नहीं है, साइकिल तो है ना, तो जब आपकी बाइक है या साइकिल है, जो भी आप सपोज करिए, मान लेते हैं आपके पास बाइक ही है, बाइक तो चलाना है नहीं, लेकिन फिर भी मान लेते हैं आपके पास बाइक है, बाइक में आपके पास एक एक्सेलरेटर होता है, देखा है ना, चलाते ड्रुन ड्रुन बोलता है, बोलता है ना, तो वो क्या होता है, जैसे आप उसको एक्सेलरेट करते हैं, उसको ट्विस्ट करते हैं, तो क्या होता है, व्हील की स्पीड समय के साथ साथ बढ़ जाती है। जो आपके पास व्हील है बहुत तेजी से नच रहा है ना, उसकी जो वेलोसिटी है समय के साथ साथ बढ़ जा रहा है। तो देखते हैं बाइक की स्पीड, जैसे जैसे आप एक्सेलरेट करते जाते हैं तो बाइक की वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होती है, समय के साथ साथ बढ़ने लगती है। तो हम कह सकते हैं बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है ना, आपने एक्सेलरेट किया तो तेजी से ट्विस्ट करते गए, तो बॉडी की वेलोसिटी समय के साथ साथ क्या होगी, बढ़ते चली जाएगी। स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो चलता है, फिर और आप एक्सेलरेट किया और तेज चला, और एक्सेलरेट किया और तेज चला, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, समय के साथ साथ बढ़ती जा रही है ना, हम कह सकते हैं बॉडी क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। ठीक है, अब आप उसको एक्सेलरेट करने के बजाय आप ऐसे लेकर के बस ऐसे ही पकड़े हुए चल रहे, तो बॉडी की स्पीड क्या है, सॉरी बॉडी की वेलोसिटी क्या है, समय के साथ साथ एक जैसी है। अगर वेलोसिटी के अंदर कोई चेंजेस नहीं हो रहा है समय के साथ साथ, हम कह सकते हैं बॉडी का एक्सेलरेशन कैसा है, बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और जब आप अपने एक्सेलरेटर को धीरे धीरे डाउन करते हैं तो क्या होता है, स्पीड बढ़ता है या घटता है, घटता है ना, बॉडी जो आपकी बाइक है वो धीरे धीरे स्लो होने लगती है, इसका मतलब बॉडी बाइक की वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है। तो जब आपका वेलोसिटी या किसी भी बॉडी का वेलोसिटी समय के साथ साथ डिक्रीज हो रहा है, उस केस में हम कहेंगे बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रही है, बॉडी की स्पीड सॉरी वेलोसिटी समय के साथ साथ चेंज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो t
डीएक्सेलरेशन या रिटार्डेशन बोलते हैं, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन बोलते हैं, और वेलोसिटी नहीं इंक्रीज हो रही है नहीं डिक्रीज हो रही है, सेम वेलोसिटी से चल रहा है तो हम कह सकते हैं बॉडी का एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक एग्जांपल लेते हैं, आप लोग जब कभी भी सर्कस देखने कभी गए होंगे तो देखा होगा एक रिंग होता है, तो रिंग के अंदर दो बाइक राइडर्स या तीन बाइक राइडर्स आपस में चलाते हैं, कभी आपस में कोलाइड नहीं होते। आपने जाना ऐसा क्यों होता है? मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ कि क्यों नहीं उनके बीच में कोलिजन होती है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के कारण। उनकी एक्सेलरेशन एक बराबर होती है, समय के साथ साथ सबका एक्सेलरेशन एक जैसा होता है ना, एकदम कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है। देखिए क्या होता है, सपोज करिए कोई बाइक राइडर यहां से स्टार्ट करता है चलना, यहां पहुंचता है तो दूसरा वाला बाइक राइडर यहां से स्टार्ट करता है चलना, जैसे ही यहां पहुंचता है ये वाला बाइक राइडर यहां पहुंचता है। अब ये वापस आता है, जैसे ही ये वापस आके इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो ये वाला बाइक राइडर कहां पहुंच चुका होगा, यहां पहुंच चुका होगा, ठीक है। तो ये जैसे ही यहां पर आया फिर यहां के बाद यहां आएगा तो ये वाला बाइक राइडर कहां होगा, वापस इस पोजीशन पे आएगा। फिर ये यहां से जब नीचे आएगा तो ये कहां आएगा, तो क्या इनके बीच में कभी कोलिजन होगी? नहीं होगी, है ना, इस तरीके से कोलाइड नहीं करते। लेकिन अगर इन दोनों में से किसी भी एक राइडर, किसी भी एक बाइक राइडर जो आपके पास है कि एक्सेलरेशन बढ़ने लगती है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बजाय उनकी एक्सेलरेट करने लग रही है बॉडी या रिटार्ड करने लग रही है, किसी की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है और किसी की वेलोसिटी बहुत कम है, तो पक्का वहां कहीं ना कहीं कोलिजन होगा। मतलब इन दोनों में से दोनों बॉडी का एक्सेलरेशन जहां चेंज हुआ वहां कोलिजन 110% होगा, कभी ना कभी जरूर होगा। लेकिन अगर इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहा तो हम कहेंगे इनके बीच में कोलिजन नहीं होगा। समझ में आया बच्चों? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, कैसे डिराइव करना सीखना होगा, हम लोग नाइन्थ में पहली बार हम लोग डेरिवेशन पढ़ेंगे, कैसे हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे यूजिंग ग्राफिकल मेथड एंड यूजिंग जनरल मेथड, दोनों मेथड हम लोग सीख लेंगे क्योंकि ये 11th क्लास में जाएंगे तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक और मेथड से इसी को डिराइव करना होता है, ये दोनों से तो डिराइव करना ही करना होगा, एक और मेथड जिसको कैलकुलस मेथड बोलते हैं, 11th क्लास में आपको दिखाई देगा। तो क्यों नहीं हम दोनों मेथड यहीं पर तैयार कर लें, 11th में हमको सिर्फ कैलकुलस मेथड तैयार करना होगा, है ना, हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मिस नहीं करिए और इसको प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा लेकर के, जैसे जैसा मैंने बताया है, और अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। घर पर रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है बच्चों। थैंक यू एवरीवन बच्चों।